आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस्तीफा दे दिया। जी हां, आपको बता दें कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से भेंट कर उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र सौंप दिया। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी का इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्यपाल ने उनसे राज्य में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने एवं पदभार ग्रहण करने की अवधि तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है। वहीं इस्तीफा देने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं और जो पार्टी ने मुझे काम दिया उसको मैंने पूरी जिम्मेदारी से निभाया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि सामान्य कार्यकर्ता को जिसका कहीं नाम नहीं था उसको पार्टी ने मुख्य सेवा का काम दिया था। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से वो काम पूरा हुआ है। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद भी देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को जिसका कहीं पर कोई नाम नहीं था उसको पार्टी ने मुख्य सेवक का काम दिया, और जिस जो काम मुझे दिया था मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से वो काम पूरा हुआ है। इसलिए मैं सभी को अपनी तरफ से धन्यवाद भी करता हूँ। आपको बता दें कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई में हुए नेतृत्व परिवर्तन के बाद बीजेपी ने धामी को कमान सौंपी। इसके बाद धामी ने राजनीतिक कौशल का परिचय देकर पार्टी हाईकमान का ध्यान खींचने में सफलता पाई। इसे देखते हुए पार्टी ने यह साफ किया था कि विधानसभा चुनाव में धामी ही उसका चेहरा होंगे। अब जबकि विधानसभा चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है, बीजेपी स्पष्ट बहुमत से सत्ता में आ गई है, लेकिन धामी के चुनाव हार जाने से चर्चा होने लगी है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जय भारत टीवी के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।